हे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। होप सो आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के व्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो शाम के 5 बजे से हो रही है। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने कुछ सुबह से मैंने कुछ किया नहीं था यार। आज मैंने ना झाड़ू वाड़ू बस यही लगाया, और काफ़ी ज़्यादा बोरिंग डे था आज हम लोग का। इतना बोरिंग कुछ भी नहीं था करने के लिए। और ऊपर से नीरज भी आज सुबह से गए थे तो अभी तक वो घर नहीं आया है। अभी उन्हें कॉल किया था, जस्ट अभी 5:10 हो रहे हैं तो मैंने उनको 5 बजे कॉल किया था। तो वो कहते अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। आज बहुत टाइम लग गया है उनको, कुछ है ना पता नहीं क्या है जो भी है। सो टाइम तो लग गया, तो इस वजह से ना मम्मी और मेरा भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। मम्मी भी कब नीचे जाएगा, कब आएगा नीरज, कब नीचे जाएगा। एक बार आए थे दोपहर में, सिर्फ 10 मिनट के आए थे और आते ही फिर से फ्रूट हो गए। तो फ्रूट छोड़ने आए थे क्योंकि जिन्होंने ना फ्रूट ख़त्म हो गए थे। तो मैंने कहा था प्लीज़ यार फ्रूट छोड़ दो, क्योंकि 2 दिन से फ्रूट नहीं था और गाड़ी घर पे हो नहीं रही है। तो मैं भी कैसे जाऊँ फ्रूट लेने, और अंदर तो उतना ओके ओके वाला फ्रूट मिलता है, उतना सही नहीं मिलता। तो बाहर से लेके आना पड़ता है और बाहर के लिए स्कूटी चाहिए, बट पतिदेव को तो टाइम ही नहीं है इतना। तो उस वजह से आज वो ले उनको मैंने कहा कि 10 मिनट के लिए प्लीज़ यार फ्रूट छोड़ दो, क्योंकि जिन्होंने ना फ्रूट की दीवानी है दीवानी। तो अभी मम्मी और मैं ऐसे वेट कर रहे हैं। अभी मम्मी और मैं जाने वाले थे घूमने के लिए बाहर वॉक पे, बट हमें स्टक ही नीरज का वेट। हाय, सुनो हाय क्या हाँ पार्क में पार्क अभी जाएंगे, डेडा को आने दो, ठीक है डेडा को आने दो। तो है कुछ, तो अभी मम्मी और मैं वेट कर रहे हैं नीरज का, तो नीरज आएंगे उसके बाद मम्मी और मैं भी जाएंगे वॉक करने के लिए। तो धीरे धीरे से वॉक करके आते हैं। और अभी अब नहीं जाने वाले, तो हमने सोचा कि क्यों यार सुबह से उनका चांसा चेहरा नहीं दिखा रही। क्यों मम्मी, मम्मी आज आपका बेटा नहीं आया ना, आपको याद आ रही है बहुत। मम्मी बोले मेरे बेटे ने खाना नहीं खाया, मेरा बेटा भूखा होगा, ये सब वो सब कह रही है बेचारी माँ का दिल। वैसे मुझे भी होता है अपने बच्चे के लिए, जब मैं कहीं मार्केट जाती ना, हम खिला लेंगे हम कर लेंगे कहते हैं, तो मैं अभी ऐसे ही होता है बेटा माँ के दिल को, ठीक है तसल्ली नहीं मिलती है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, जब तक खुद से नहीं खिलाती खुद से नहीं देखती। तो वही है बेचारे नहीं है जी यार, काफ़ी टाइम भी हो गया है तो अभी उनका वेट कर रहे हैं। और अभी ना हमारा वैसे ना मम्मी आजकल चाय पी नहीं रही है क्योंकि डॉक्टर ने मम्मी को साफ मना किया है, बट कभी कभी हम लोग पी लेते हैं थोड़ी थोड़ी। मतलब मैं तो वैसे भी चाय की कोई हैबिटेट नहीं हूँ, बट मम्मी के लिए बनाती हूँ तो फिर थोड़ा सा बिस्किट के साथ खाने के लिए मैं भी बना लेती हूँ। और आज दिल है चाय पीने का, बट हमारे पास क्या नहीं है, अदरक। तो ना हमारे पास अदरक खत्म हो चुका है और इस वजह से हम चाय नहीं बना पा रहे हैं। तो जब मन होता है तो जब होते नहीं है, और कल तक अदरक था तो चाय पीने का बिल्कुल दिल नहीं था। तो ऐसा ही है भगवान इस लड़के के काम मारेगा, क्यों कर रहे हैं ये। ये देखो शूज पहनेगा डेडा के, डेडा की बूट पहनेगा। अरे 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 गुस्सा, देखो दे दो लाटू दे दो। बहुत खतरनाक है, देखो सो गाइस देखो यार भगवान क्या होगा मेरा। ये तो मम्मी ये तो नहीं होने वाली रे, ये हमारे बस के बाहर है। इसको देख रहे हो, इसने शूज चुना तो कैसा गुस्सा आई इसको। क्या कर रहा है ये बता, ये देखो ये क्या है। मम्मी ना एकदम मैक्सी चेंज करके रेडी हो गई है साड़ी पहन के घूमने के लिए। जीनल देखो गुस्से से, क्यों आया गुस्सा मोमो। नहीं लाडो नहीं लो, लाडो मत लो उससे, लाडो दे दो उसे, गुस्सा आ रही है वो गिर जाएगी। वो देखो उसे ना गुस्सा आ रही है, वो नीचे गिरने की सोच रही है, ऐसे गुस्सा आती है। दे दो उसे। आप तो चढ़ रही हो आप नीचे, तो अरे नहीं गिरेगी थोड़ा सा यार, चढ़ना सीखेगी तभी तो डर उसके भागेगा। अरे नहीं ना। देखो जीनल ना आजकल ना खुद से ऐसे जाती है ऊपर। हाँ हाँ खस जा, आ जा, आओ आओ। चलो चलो जाओ जाओ, इसको ना यही पसंद आ रहा है, इस पर जाने की हो रही है। हे पपी नहीं, काटी काटी पपी काटी पपी काटी काटी। पहले वो डर गई, फिर देखो कैसे स्माइल कर रही है, अपने डर को दिखा रही है। अब तो हम लोग हंसे ना तो खुद भी हंस रहा है। छी छी। और ये साई, तो ये देखिए इनको, ये देखिए इन बूढ़ी टांगों में इतनी ताकत है आज। वैसे कहो तो मैडम जी चल नहीं पा रही है बेचारी। हाँ हाँ उसको भी उड़े दादा दादी को देख आराम से। हाँ मम्मी ने इस पर एक्सरसाइज कर रही है। हाँ करो। हाँ ये जीनू वाव वाव बोल रहा है। हाँ वाव।
तो फ्रेंड्स अभी जस्ट हम लोग घूम के आ चुके हैं और चार सा चेहरा मम्मी को, और मम्मी का चश्मा देखो ना, जैसे टीचर है, टीचर नहीं रहते पढ़ाए पढ़ाने के बाद, ऊपर ये है हेडमास्टर हमारे घर की हेडमास्टर कि ये तुम्हारी मम्मी हेडमास्टर देखो ना, ओहो मम्मी स्टाइलिश चश्मा पहने की दे रहे बस आपको तो तो हम लोग को चार सा चेहरा देखने को मिल चुका है। अभी हम लोग घूम के आए हैं और टाइम अभी 6:30 हुआ है। मुझे कुछ बोले तो आते ही ना मैं, अब मैं यार मुझे क्या पता कि ऐसा ब्लॉग बना रहा था, मैं ब्लॉग शूट तो कर नहीं सक पाई, गलत घर के अंदर आते ही तो मैंने दरवाजा खोलने बाहर, पहले तो मैं रिसीव करने के लिए बाहर आए गेट के बाहर आ रहे मुझे रिसीव करने के लिए, मैंने कहा क्या है अभी तक तो आए ही नहीं करके काम, मैंने तो अंदर आ रहे हो ऐसे कर रहे हैं वेलकम कह रहे हैं, और सर क्या बोला तुमने, तुमने बोला चॉकलेट चॉकलेट कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ कहाँ है मैं सोच कहाँ है चॉकलेट देख रही हूँ, देखा तो साइड पे रख रखी है इतना ये बड़ी सी चॉकलेट, तो नहीं है क्या रखे हैं रिच चॉकलेट, इसकी साइकिल है और ये किसकी साइकिल है, मेरे लिए है साइकिल ये साइकिल देखो जिनल के लिए गया है वैलेंटाइन डे, अब क्या है भाई बच्चा हो गया तो बच्चे के लिए वैलेंटाइन डे में गिफ्ट आएगा, तो एक कितनी प्यारी सी है क्यूट सी फोटो खींचेंगे साइकिल के साथ जिनल की, और ये लेके आ रखी नीएच वैलेंटाइन डे का गिफ्ट चॉकलेट, वैसे नीएच ने वैलेंटाइन डे का गिफ्ट मेरे लिए ऑर्डर किया है जो अभी आने वाला है, दिखाऊंगी जब आएगा। जब से हम छुट्टी से आए ना इनको बिल्कुल टाइम नहीं हो रखा है, तो इस वजह से ना जितने भी वैलेंटाइन डे के जो भी था ना वो उसमें मतलब कुछ भी अच्छे से हो नहीं पाया, नहीं तो नीरज ना वैलेंटाइन डे के दिन कुछ ना कुछ दे देते, मैं ना इससे पहले वैलेंटाइन डे को आपका वो दिखाती हूँ, रोज भी दिखाती हूँ, मैंने वॉल अपने वॉल पर लगा रखा है, और सो थैंक यू सो मच मिस्टर नीरज, मम्मी हंस रही है मम्मी मम्मी ये वैलेंटाइन डे होता है, पापा ने तो कभी आपके साथ वैलेंटाइन डे नहीं बनाया होगा, तो भाई इसको तो दिखा दी चॉकलेट, तो ये हमें दे दी चॉकलेट, दादी को दे रही है, दादी को खोलो बोल दिए, दादी तो खोला भी नहीं, दादी खोला नहीं जानती, दादी के दांत नहीं है नकली दांत है, बोलो चंद प्लीज इसे ओपन करके दिखाइए, क्या है ग्रीटिंग कार्ड भी है क्या, ग्रीटिंग कार्ड है ना, मैं बोला ना अच्छा चॉकलेट विद ग्रीटिंग कार्ड, वाव लव से पुल करो, लव यू फिर हैंड लव यू यू हैंड फिर क्या है कंप्लीट, हाँ बेटा कंप्लीट फिर हैंड मी फिर पूरा लव दोनों का लव, अच्छा काफी प्यारा है, थैंक यू सो मच पतिदेव, इसी का पैसा हुआ कि उसमें चलो ठीक है, तो अभी जो है मेरा फोन में नेट वो क्या बोलते हैं चार्ज खत्म हो गया, तो थोड़ी देर फोन चार्ज में लगाया, और अभी नहीं है चेन्नई देखो चॉकलेट खोली नहीं है, खोलो तो सही चॉकलेट, इधर को आपने चार सा चेहरा दिखा दो लोगों को, मेरे सुंदर से पति मम्मी का चश्मा देख रही है, बड़ी हंसी आ रही है भाई मेरी लड़की चॉकलेट नहीं खाने देगी हम लोगों को, जल्दी खोलो दादी, हाँ जी दादी की भी नियत लगी है चॉकलेट में, तो मेरे पति का प्यार मेरे लड़की का बोले मम्मी तारीफ में दो शब्द तो बोलेगी, तो दो ना कहानी लिख देगी किताब, अगर मम्मी से कहेंगे नहीं अच्छी तारीफ में कुछ शब्द लिखो तो मम्मी एक किताब लिखेंगे तो याद है ओहो ओहो नहीं नहीं तो खुद करूंगी एक्टिंग, मुझे शर्म आ रही है मम्मी, मजाक कर रही हो, सीरियस क्यों हो रही हो, थैंक यू हैप्पी वैलेंटाइन डे, तो अभी आपको दिखाऊंगी मेरी सास का, आज मैं बताती हूँ आपको वैलेंटाइन डे के दूसरे दिन एक और दिन आ चुका है मेरी सास के द्वारा टैलेंटाइन डे, टैलेंटाइन बाबरे ये इतनी थी क्या चॉकलेट, और भी थी आधा ले लिया ना वो, अच्छा अच्छा रख दिया होगा आधा इसको दे जे यू, तो चलो मैं ये देखो मुझे खाने नहीं देगी, तो जिन और मैं खाते हैं चॉकलेट, मेरे लिए लाए छक्का भी बोले तुम्हें खाओ, देखो उसको उससे खाना है
तो चलो जो हम चॉकलेट खाते हैं उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं पर गोलगप्पे खाने। नीरज कह रहे हैं चल गोलगप्पे खिला देता हूँ तुझे, तो क्योंकि मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है तो मुझे गोलगप्पे खिला रहे, गोलगप्पे की पार्टी कराने जा रहे हैं तो अब चलते हैं हम लोग गोलगप्पे खा के आएंगे। और नीरज तुम भी अपना ले जा लो, मत करो बेटा, क्यों करना है ये बेटा ना मेरा, नीचे से पता है यहाँ से डायरेक्ट पानी आता है, इसको ऑन कर लेती है नीचे से तो डायरेक्ट जो पानी आता है ऑन कर लेती है, पता चलता नहीं है तो डायरेक्ट सुबह आता है फिर यहाँ पे बच्चा भर जाता है। क्योंकि मत करो, तो मुझे ना रात को चेक करके सोना पड़ता है दिमाग इस बच्चे के साथ ना, मत करो, जितना बड़े होते जा रहा है उतना बदमाश होते जा रहा है। सो गाइस अभी जो है ना, अरे यार मेरी रोटी भी क्योंकि देखो एक हाथ से रोटी भी सेक रही हूँ, हाथ से फोन भी पकड़ रही हूँ, मेरे पास ना फोन पकड़ना मतलब स्टैंड में है नहीं वीडियो बनाने के लिए, इस वजह से मैं बहुत सारी ना कुकिंग वीडियोस भी आप लोगों से शेयर नहीं कर पाती हूँ। नहीं तो सोचती हूँ कभी कुछ बनाती हूँ, सोचती हूँ किसी किसी लोगों को ना, जैसे मुझे है मुझे बहुत कुछ बनाना नहीं आता है तो मेरे जैसे ही बहुत लोग होंगे, मैं सोचती हूँ कि कभी कभी उन लोगों से शेयर कर लूँगी, बट यार फ़ोन के साथ ना कुकिंग करना ना बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाता है। सो इस बुला बुला, देखो वो इतना जा रही है और अपने डैडा को बुला रही है, पता है कि मैं बुला रही ना उनको, तो मैं कहाँ पे थी, हाँ तो इस वजह से ना मैं कुकिंग वीडियो मतलब कुकिंग जो वीडियोस हो ना वो नहीं बना पाती हूँ, शेयर नहीं कर पाती हूँ मतलब रेसिपी वगैरह, जितनी हो पाती है कभी कभी कर लेती हूँ जो बहुत ही मेन है। सो एनीवे अभी मैंने बनाया डिनर पे आज ना कुछ भी खाने का दिल नहीं था, मैंने अभी बताया था जैसे कि हम लोग गए थे यहाँ गुरा बाजार गए थे, मेरे पति ने कहा मुझसे कि चलो गोलगप्पे खिला के आता हूँ आपको, और मुझे तो गोलगप्पे खा लेते तो उसके बाद ना मुझे कुछ भी खाने का दिल नहीं करता। एक सेकेंड ना मेरी सब्जी ना थोड़ा सा लग रही है नीचे, गोलगप्पे खा ली थी तो मैं तो कुछ भी नहीं खाने वाली हूँ अभी, क्योंकि गोलगप्पे से मेरा पेट भर गया और आइसक्रीम भी खाई थी मैंने, और फिर नीरज को क्या कहा, नीरज ने कहा था कि मेरे लिए उपमा बना दो, तो मेरा पति ना इतना ज्यादा मतलब साउथ इंडियन फूड का तो मतलब दीवाना ही है कुछ मत, रात का डिनर टाइम है, मैंने कहा कि यार सब्जी रोटी बनाते हैं मम्मी भी खा लोगे आप भी खा लोगे, बट नहीं उनको ना क्या बोलते हैं डो ही खाना था, क्या बोलो उपमा खाना था, तो उनके लिए मैंने अभी देखिए नीरज जी के लिए मैंने उपमा बना दिया है, मैं सोच रही थी रेसिपी शेयर करूँ बट फिर आपको मैं जैसे मैंने बताया अभी पॉसिबल नहीं होती है, बट एक बार ना मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर करूंगी उपमा की। तो मैंने सिंपल सा उपमा बनाया, ये सिंपल ही उपमा बना रखा है और थोड़े बहुत दो तीन वेजिटेबल डाल के, और यहाँ पे मम्मी के लिए बना रही हूँ मैं प्याज की सब्जी जो मैंने बताया था मट्ठा लेके आई थी, तो मम्मी कहती पहले प्याज की सब्जी में आती है मट्ठा डाल के, और मम्मी के लिए मैंने रोटी बना दी है। हाँ और बच्चे किकी का जो मन होगा खाया, वैसे किकी के लिए भी उपमा बनाया था मैंने मॉर्निंग में, बट वो उसने खा लिया था तो बच गया है, अगर वो खा लिया तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए मैं ओट्स बना दूंगी, ओट्स बनाने में कोई टाइम नहीं बताया, खाली पानी में बॉइल करना है फटाफट से थोड़ा सा घी अदरक का लगा के, तो बस यही है यार अभी ये तरह लोग खिलाती हूँ, उसके बाद देखते क्या करते हैं, खुशी करेंगे।